Hi, and welcome to the video. In this video, I'll be reviewing the song Lafda This is from the upcoming film Jund. The music composers here are Ajay Atul, the singer is Ajay Gogavle himself, and the lyric writer here is Amitabh Bhattacharya. But before we get into the review, make sure you watch the video till the very end. If you like the video, please leave a like. And if you haven't subscribed to my channel yet, make sure to hit the subscribe button and the bell icon. तो सबसे पहले लिरिक्स की बात करते हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने बहुत आसान सरल सिंपल शब्दों में ये गाना लिखा है बट इसका ये मतलब नहीं है कि गाने में कोई मतलब नहीं है या फिर कहानी को दर्शा नहीं रहा दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सॉन्ग जबान ये डायलैक्ट मुंबई की लोकल डायलैक्ट है पर उसमें बहुत गहरी बातें की जा रही हैं जहाँ तक हुक्लाइन की बात है मुझे लगता है कंपोजर्स ने ही गाने में गा के रखा होगा क्योंकि ये जो लव्स है वाकड़ा तिकड़ा ये बहुत ही मुंबई और मराठी लव्स है ये अमिताभ भट्टाचार्य हालाँकि वो मुंबई में रहते होंगे अभी बहुत साल से पर ये एक लखनऊ में पले बड़े इंसान को इतनी नेचुरली नहीं आ सकता इस गाने की यूएसपी ये है कि हालांकि गाना बहुत मजाया तरीके से फ़न तरीके से लिखा गया है बट इसमें बहुत सी स्लम ड्वेलर्स की स्ट्रीट डवेलर्स की या जस्ट जो गरीब हैं या जो पीड़ित सेक्शन है सोसाइटी का उनकी सच्चाइयाँ बोल दी गई हैं बहुत ही आसानी से और ये भी उसी सड़की जबान लहजे में किया गया है और उसमें भी कहीं स्किल की कमी नहीं है वर्ड प्ले भी किया गया है एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ वो कहते हैं कि दुनिया का गेम तो बजाना है अभी ये हालाँकि बहुत ही सड़की बहुत ही लोकल टाइप जबान है पर इसमें भी दो लेयर्स हैं पहला तो ये कि दुनिया का गेम है कि हमें बजाना है बेसिकली हमें प्रताड़ित करना है या हमें तकलीफ देना ये दुनिया का गेम है या आप इसको ऐसे भी देखें कि दुनिया का गेम तो बजाए हम इस दुनिया को जीतेंगे उनकी दुर्दशा करेंगे उनका बुरा हाल करेंगे सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी वेल रिटन सॉन्ग एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वोकल परफॉर्मेंस सो अजय गोगावले हु इज़ वन हाफ ऑफ द कंपोजर्ड वो अजय अतुल इज़ अ ग्रेट सिंगर नो डाउट वी ऑल नो दैट बट दिस इज़ हिज़ डे दिस इज़ हिज़ जोन इस तरह के फोकस मेलोडी जिसमें उन्हें एक्सप्रेस करना है और एक तरीके से इमोट करना है ये उनके अलावा कोई शायद इस तरीके से नहीं कर पाता इसलिए उन्होंने ये गाना खुद गाया बट एज ए सिंगर शायद ये गाना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं रहा होगा क्योंकि वोकल रेंज एकदम उनके लिए बैंग ऑन है हालांकि उनका रेंज बहुत बड़ा है बहुत लो बहुत हाई भी वो गाते हैं बट दिस इज़ बैंग ऑन इन इज रेंज एंड ऑल्सो वाट आई रियली लाइकड अबाउट दिस वोकल परफॉर्मेंस इज दैट एवरी टाइम ही सिंग्स द हुक ही मेक्स इट स्लाइटली डिफरेंट अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको वोकल परफॉर्मेंस में ही वो डिफरेंस समझ में आएगा ना कि सुर जो सुर लगा रहा है वो तो है ही बट इवन द वे ही प्रोनाउंस द हुक लाइन एवरी टाइम स्लाइटली डिफरेंटली इज अ कम्पोजर टच विच इज वेरी वेलकम नॉ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन सो द फॉर्मेट हेयर इज सिंपल एक मुखड़ा है दो अंतरे हैं लेकिन इसमें भी कुछ अलग है कुछ नया है सो so, मुखड़ा बॉलीवुड स्टाइल में थोड़ा लंबा है दो लाइंस है फिर वो एक हुक पे लैंड करता है लेकिन वो मुखड़े के पहले दो लाइंस कभी रिपीट नहीं होते तो ऑलमोस्ट दिस इज लाइक अ सॉन्ग विद वन हुक एंड थ्री वर्सेस और वो स्पेस्ड आउट बहुत ब्यूटीफुली है आजकल एक और चीज़ है जो हमारे हिंदी फिल्मों से गायब होती चली जा रही है विच इज़ द इंटरल्यूड जो एक म्यूज़िक का बिट जो पीस जो बीच में आता है वो आजकल गायब होता जा रहा है ये भी उस गाने में डाला गया है एंड स्टिल इतने एलिमेंट्स पैक करने के बाद भी ये गाना बहुत लंबा नहीं है स्टिल अ फोर मिनट सॉन्ग सो इट फील्स रियली नाइस एंड इट नेवर लूज इंटरेस्ट ना लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्शन In this song, the production is very different. There are EDM elements, there are some disco elements in the beginning with the bass line, but it is a very fresh take on this kind of a song. There are Indian influences, although most of the influences are Western. The transitions, when Ghana is in the middle of the Indian percussion, Maharashtrian style percussion used. हुक में भी थोड़ा इंडियन प्रकर्शन है बट द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग इज़ वेरी मच वेस्टर्न देर आर सर्टन साउंड इफेक्ट्स यूज विच आर वेरी टिपिकल इन द लोकल मुंबई महाराष्ट्र ऑर्केस्ट्रा सीन एस थे कॉलेट जो बेसिकली एक बैंड होती है जो एक लोकल मोहल्ले में बजा रही होती है या गा रही होती है उनके पास ये मशीन्स हैं जिसमें वो टिपिकल साउंडस होते हैं वो पुरानी ड्रम मशीन यूज करके वैसे साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उस तरह के साउंड्स भी इसमें यूज्ड हैं ओवरऑल द सॉन्ग आल्सो हैज बीन रियली वेल मिक्स्ड एंड मास्टर्ड एंड इट इज साउंडिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड वन एवर आई ड्रॉप अ न्यू वीडियो आई विल सी यू ऑल इन अनदर वीडियो एंड अंटिल देन बाय बाय